गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंसी पे ट्रेडिंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग फॉरेक्स पे भी ट्रेड कर रहे हैं इसी सीट के अकॉर्डिंग, तो इस कंप्लीट वीडियो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों तीनों मार्केट के बारे में, इक्विटी फ्यूचर्स के बारे में, और एक नज़र हम इंडियन करेंसी मार्केट पर भी मारेंगे। और उसके बाद आज वीडियो का स्पेशल एज जो है सो दोस्तों वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मनी मैनेजमेंट के थ्रू हम कैसे अपने ट्रेड्स पे विन करेंगे दोस्तों, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करूँगा। दोस्तों, जो भी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा लास्ट टाइम पे सिटी यूनियन बैंक और RBL बैंक पर हमारा SL हिट हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिंक भी दिया होगा, आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर मैं हर ट्रेड शेयर करता हूँ दोस्तों, तीनों मार्केट का जो भी हमारा PNL रहता है अपडेट करता हूँ, ठीक है। इक्विटी फ्यूचर्स में क्या हुआ दोस्तों कि उस डे पर ये 42,000 के अराउंड आ गया था, ठीक है, और हमारा SL इस कॉलम में हिट हो गया था। तो मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया क्योंकि ये जुलाई मंथ का पहला ट्रेड है जो हमने क्लोज किया है लॉस के ऊपर, ठीक है। बाकी हमारे 3-4 ट्रेड इस पर रनिंग में चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं तो दोस्तों, इस पर हमारा थोड़ा सा लॉस चल रहा है गेनवेल्स और ओरोफार्मा पे 9,000 का, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रेड की तरफ देखते हैं दोस्तों, इस पर हमें 12,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ये है कि जिस दिन हमने इस पर ट्रेड लिया था उस दिन फ्यूचर के प्राइस और स्पॉट के प्राइस में गैप था दोस्तों। ये जो सीट है ये स्पॉट प्राइस के ऊपर सिग्नल जनरेट करती है, तो इसलिए एज ए फ्यूचर ट्रेडर ये आपको देखना होगा दोस्तों कि ज़्यादा गैप तो नहीं हो रहा, मतलब जिस फ्यूचर को आप सेल करने वाले हो ज़्यादा डिस्काउंट में तो नहीं है। तो वहाँ पे देखो लॉट साइज़ बहुत बड़ा था दोस्तों, तो मेरे किसी व्यूअर्स ने बताया था कि काफ़ी बड़ा गैप है तो हम ले सकते नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आपको ऐसा ट्रेड नहीं लेना है। हालांकि मैंने सीट पर इसको ले लिया था, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा अभी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 36,000 का गैप हो रहा था दोस्तों, क्योंकि ये 124 था, 110 स्पॉट था। तो अगर आप 6,000 को गुणा करें तो 36,000 तो ऐसे ही हो रहा है, उसके बावजूद भी ये प्लस में आया दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड है ये दोस्तों, ये हमारा लॉस पे चल रहा है 35,000। जैसे इस पर SL आएगा तो हम इससे भी एग्जिट करेंगे। और ये इस पर आज हमने नया ट्रेड लिया है दोस्तों, HDFC और SRT फाइनेंस के ऊपर। यहाँ पर देखिए दोस्तों हुआ क्या, मैं एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसका चार्ट है, ठीक है, आप इसको कंपेयर कीजिए। यहाँ पर आपको गैप कम लग रहा होगा दोस्तों, ये गैप कम नहीं है। अगर आप पीछे देखें तो ये ब्लू लाइन हमेशा ऊपर रही है दोस्तों, ठीक है, ये HDFC की है। तो इस बार क्या हो रहा है कि SRT इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए सिग्नल, ऐसा भी एक ट्रेड आता है दोस्तों, ठीक है, आपने पीछे भी देखा होगा ACC अल्ट्रा और एक दो ट्रेड में ऐसा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे इसको इसलिए हम बाई कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं, क्योंकि हम ये आस करेंगे कि ये अपनी हिस्ट्री रिपीट करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है दोस्तों। करेंसी मार्केट में दोस्तों अभी फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पर बहुत कम सिग्नल आते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 पे ही हमारी यहाँ पर ट्रेड बनेंगे अगर आएंगे तो, उसमें भी अभी कोई है नहीं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये $6 प्रॉफिट चल रहा है। तो ये सीट के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास सिग्नल आते हैं, हमने एंट्री करी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपने लाइव टर्मिनल पे तो हमने कितना ट्रेड किया दोस्तों। यहाँ पर जैसे $6 आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी 7, मतलब ये थोड़ा लेट अपडेट होती तो यहाँ पर $7 चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम जब जब यहाँ पर एक सिग्नल आया हुआ है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कौन सा दोस्तों, ये USD JAR और USD MXN के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सेल का ट्रेड है, बट इस कॉलम पे हमारा नो ट्रेडिंग जोन है तो हम इस पे एंट्री नहीं करेंगे दोस्तों। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही काम करती है मार्केट में, देखो मनी मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक राउंड फिगर तरीके से बताया हुआ है, क्योंकि देखिए हम अपने ट्रेड को पोजिशनल लेके जा रहे हैं दोस्तों फॉरेक्स में, 1 हफ्ता 10 दिन भी हम इसको पोजिशनल कर सकते हैं। मैं अभी दिखाऊँगा अपने टर्मिनल पर कि मैंने कितना दिन उसको होल्ड किया है। तो दोस्तों, ये इसलिए संभव हो सकता है अगर आप मनी मैनेजमेंट से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आप ज़्यादा पैसा लगा, एक्सपोजर भले ही आपको मिलेगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि आप पूरा फंड लगा दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने यहाँ पर एक फिगर आउट किया हुआ है, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं दोस्तों, तो आप 0.01 मैक्सिमम 2 ट्रेड लेंगे, मतलब अपने कैपिटल का आप मैक्सिमम 10% लगाएंगे दोस्तों एक बार में। अगर यही आपके पास 1,00,000 हैं तो लगभग आप 10,000 के अराउंड लगाएंगे, अगर आपके पास 10,00,000 हैं तो 1,00,000 के अराउंड लगाएंगे, ठीक है। ये आपका मनी मैनेजमेंट रहेगा दोस्तों, इस वजह से आप पोजिशनल कर पाएंगे अपने ट्रेड्स को, ठीक है। नंबर दूसरी बात देखो दोस्तों, कुछ ऐसे हमारे पास एंट्री आती है दोस्तों, जैकपॉट साबित होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये तीनों चीज़ सिमिलर है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको इसको एक बार मैप में भी दिखाऊंगा दोस्तों,
ठीक है, कैसे हम क्यों इन पे इतना भरोसा करते हैं। ठीक है, देखें मान लास्ट टाइम हमारे पास इस पे एंट्री आई थी दोस्तों, यूएसडी जेपीवाई और सीडी जेपीवाई पे। मैं एक बार इसका चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इसका चार्ट है यूएसडी जेपीआई और सीडी जेपीवाई का, ये 1 ईयर का है दोस्तों। अगर मैं इसको ऑल पे कर दूँ, ये देखिए, ये थोड़ा डेटा अभी चल नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए 5 ईयर्स में देखिए बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही कॉन्टिनेंट की दोनों करेंसी है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों आसपास के कंट्री हैं। तो एक बार हम इसको मैप में भी देख लेते हैं दोस्तों, जब भी हमारे पास इस टाइप के ट्रेड आएंगे। ठीक है, ये जो GBP, EUR, NZD, AUD, ये तीनों एक ही कॉन्टिनेंट से आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सेम कॉन्टिनेंट से है, ये भी सेम से है, ये भी सेम से, तो इसलिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट रहती है दोस्तों इस केस पे। दोस्तों देखिए, कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर, ये देखिए एक ही कॉन्टिनेंट से आता है। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल इनकी आप जियोग्राफिकली भी सेम है, यहाँ पे कल्चर भी सेम है, तो ये जो करेंसी है दोस्तों, चार्ट सब कुछ बता देता है। ठीक है, इसके ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका कहलाता है दोस्तों, तो यहाँ का जो डॉलर है लगभग सेम रिएक्ट करता है, साथ साथ चलता है दोस्तों, जैसा कि हम चार्ट पे देख रहे हैं इस चीज़ को। और दूसरा जो दोस्तों जो था GBP और EUR, ये यूरोप से आता है दोस्तों। ठीक है, आपने गौर किया होगा, मैक्सिमम टाइम जब GBP पड़ता है, EUR भी पड़ता है, GBP गिरता है तो EUR भी गिरता है। ये आपका टास्क है दोस्तों, आप देख लीजिएगा खुद चार्ट को लगा करके एक साथ। ठीक है, यहाँ पर आप अगर अफ्रीका से ऊपर देखते हैं, तो इस एरिया में इन दोनों का करेंसी चलता है दोस्तों, तो ये साथ साथ चलती है। और तीसरी हमारी, ये देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड, ये भी हमारा ओशिनिया कॉन्टिनेंट से आता है दोस्तों। तो ये काफ़ी सिमिलैरिटी रहती है दोस्तों दोनों के करेंसी में। जब भी गैप आता है तो हमारी सीट उसको पिक कर लेती है और वहाँ पे हमें एंट्री बन जाती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, 53 नंबर USD JPY CAD JPY ने हमें एंट्री दिया था दोस्तों, और एंट्री लेते ही दोस्तों ये ट्रेड नेगेटिव गया ही नहीं। ठीक है, ये कंटिन्यू हमने एक दिन होल्ड किया इसको और अच्छा प्रॉफिट बुक किया दोस्तों इसके ऊपर। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ जब भी आती है आपके पास, ये जैकपॉट एंट्री, तो यहाँ पर आप लॉट साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर श्योरिटी ज़्यादा रहती है प्रॉफिट की, तो इस टाइप के ट्रेड आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर। देखिए आपकी जो पोजिशन है सर, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर हमारी सीट के ऊपर एवरेज आता है तो हमें वहाँ पर एवरेज करना होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट पे जाए, थोड़ा सा रिवर्स भी जा सकता है, तो वहाँ पर हम एवरेज करेंगे इनिशियली उसको। उसके बाद अगर हमारा SL फिर बहुत नज़दीक हो जाता है, ठीक है, SL आता तो SL लेंगे, लेकिन फिर री एंट्री देगा तो री एंट्री भी लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान रहता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों अपने ट्रेडिंग टर्मिनल। ये देखिए दोस्तों, ये करंट अभी PNL चल रहा है, इसको हमने कब लिया था दोस्तों, ये है हमारा 11 जुलाई का ट्रेड है दोस्तों। आज देखिए आप 18, यानी कि एक हफ्ता हो चुका है दोस्तों इस ट्रेड को, अभी प्रॉफिट दे रहा है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं इसको, तो मैंने इसलिए वीडियो चल रहा है इसलिए अभी इसको एग्जिट नहीं किया। ठीक है, मैं अभी कर दूंगा थोड़ी देर में दोस्तों। ये अगर मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखाऊँ कम्प्लीट, ये देखिए दोस्तों, ये हमने 6 जुलाई से स्टार्ट किया था अपने ट्रेड्स को लेना, और यहाँ पर अगर ओवरऑल बात करूँ तो मेरा 6 to 87 डॉलर ही सिर्फ यहाँ पर लगा हुआ है। उसके ऊपर मैंने दोस्तों 52 डॉलर कमा लिए, मतलब 50% से ज़्यादा मैंने सिर्फ 2 हफ्ते में कमा लिया दोस्तों। ठीक है, 2 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ अभी, तो इस सिंपल सी स्ट्रेटजी के ऊपर दोस्तों। देखिए, अगर आप मार्केट में काम करने आए हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 10 डॉलर 15 डॉलर तो ऐसे नहीं कमा सकते दोस्तों। ये भी एक बिजनेस है, इसका भी एक बेसिक है, एक एडुकेट अमाउंट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। अगर आप इस मार्केट में आएँ, कम से कम 10,000 तो लेके आएँ, क्योंकि आपका 10 डॉलर तो ऐसे ही होगा 0.01 पे दोस्तों। एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको एक्सपोजर मिलता है अच्छा, और आपको क्या बोलते हैं, लेवरेज मिलती है, तो उस लेवरेज का आपको फ़ायदा उठाना है दोस्तों, मिसयूज़ नहीं करना आपको। देखो, लेवरेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका 3.5 से 4 डॉलर में एक पेयर बन रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत बड़ी है दोस्तों, वो 1 लाख की वैल्यू है। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 1 लाख के ऊपर होगा, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका डिपॉजिट कितना है, उसके ऊपर आप ट्रेड करिए दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको मनी मैनेजमेंट बता दिया दोस्तों। अगर आपके पास जितना भी पैसा है उसका आप 10% लगाएं मार्केट में, तो उसके हिसाब से आप पोजिशनल रख पाएंगे, अच्छा अर्न कर पाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, आपके सामने लाइव अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइव है कब आना का, और इस पे ये प्रॉफिट है। और जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मैं लाइव ट्रेड सारे ट्रेड आप चेक करेंगे, पूरे दिए हुए मैंने लाइव में, एक एक ट्रेड को दिया है, एग्जिट किया वो भी बताया हुआ है। तो जो लोग भी चाहते हैं कुछ अर्न करना,
और ख़ास तौर पे फॉरेक्स में देखिए दोस्तों है क्या, इक्विटी फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों, आपके पास 5 लाख रुपया होके भी आप सिर्फ एक ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। उसमें भी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हो सकता है वो नेगेटिव ही रहे, जैसे कि ACC अल्ट्रा वाला 1.5 महीना हो गया अभी तक नेगेटिव चल रहा है दोस्तों। तो आप कम फंड में यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं अगर आप फॉरेक्स में काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिक तरीका रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए। दोस्तों एक रिव्यू हम सीट पे मार लेते हैं कि इसको आपको यूज़ कैसे करना है। इस सीट को एक्चुअली मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी आपके सामने एंट्री आई दोस्तों, ठीक है, आपको मान लो यहाँ पे बाय और सेल का एंट्री आएगा तो आपको ट्रेड वाले कॉलम में देखना है, यहाँ ओपन होना ज़रूरी है। अगर ये ओपन है तभी आप ट्रेड लेंगे दोस्त, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर सपोज ये ओपन होता तो हम इस फर्स्ट रेड भी हो रहा है तो इसको सेल करेंगे, इसको बाय करेंगे, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले आपको ये पता नहीं होगा कि कब एंट्री आने वाली, तो यहाँ पर एक अलर्ट का ऑप्शन है तो इससे आप थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे। तो इस पर आपकी एंट्री आने वाली, जैसे यहाँ पर अलर्ट आया फिर एंट्री आती है दोस्तों। सपोज आपने एंट्री ले ली उसके बाद आपका ट्रेड रिवर्स चले गया, अगेंस्ट चले गया आपके, तो यहाँ पर एक एवरेज का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर ब्लिंक करेगा, ठीक है। इस टाइप से जैसे यहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर भी आपका एक कलर आएगा, नेक्स्ट कलर, तो आप वहाँ पर एवरेज करेंगे सेम क्वांटिटी को, ठीक है। सेम जैसे मान लो इसको आपने सेल किया फिर दोबारा से सेल करेंगे तो आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा, लॉट साइड डबल हो जाएगा। तो फिर आप वेट करेंगे अपने SL या टारगेट का। अगर ये उल्टा रिवर्स जा रहा है तो SL बहुत नज़दीक होगा, अगर ये रिवर्स आता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा दोस्तों वहाँ पर। तो आप एक कोशिश ये करिएगा दोस्तों, जब भी आपको मौका मिलता है ट्रेड में लेने का तो आप एक ही टाइप की करेंसी चूज़ ना करें। जैसे मान लो आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें CUD CHF है, तो आप इससे अलग करें, जैसे AUD का पेयर ले लें, तो इससे क्या होगा कि अगर एक ही करेंसी एक तरफा चल रही तो दूसरे में आपको प्रॉफिट हो जाए दोस्तों। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए दोस्तों जो भी इस सीट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। पहले तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट बना लें, उसके बाद जितना भी फंड आपको डालना है आप कीजिए, ठीक है, ट्रेड कीजिए। मैं आपको ये सीट सेंड कर दूँगा, ठीक है। अपना डिटेल मुझे भेज दीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, तो आई विल सेंड यू दिस सीट। तो ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा आज इस वीडियो में, ठीक है। तो जो भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों।